कर्ज में डूबे विजय माल्या अपनी एक कंपनी का चेयरमैन पद छोड़ेंगे। उद्योगपति विजय माल्या ने फार्मा कंपनी सनोफी इंडिया लिमिटेड यानी SIL का अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला किया है। कंपनी ने बयान जारी करके इस बात की पुष्टि की है। कंपनी ने कहा है कि माल्या ने आगामी सालाना आम बैठक में फिर से निदेशक चुने जाने की दावेदारी नहीं करने का अपना फैसला जता दिया है। आपको बता दें कि माल्या पहली बार कंपनी में 1973 में निदेशक बने थे। तब कंपनी का नाम होएस्ट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड था। माल्या दिसंबर 1983 से ही कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष हैं। माल्या ने अपने बयान में कहा कि मुझे इस कंपनी के बोर्ड की अध्यक्षता करने और इस लंबी अवधि में इसमें शानदार विकास करने और समृद्धि बढ़ाने का सुअवसर मिला है। सनोफी के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश अयंगर ने कहा है कि माल्या के नेतृत्व में पिछले 10 साल में कंपनी की बिक्री 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो गई है और शेयरों की कीमत 1655 रुपए से बढ़कर 4358 रुपए हो गई है। वहीं बाजार मूल्य 3 गुना हो गया है और कर्मचारियों की संख्या 1500 से बढ़कर 3700 हो गई है। गौरतलब है कि विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों के करीब 9000 करोड़ रुपए बाकी हैं और देश छोड़कर इन दिनों वो लंदन में रह रहे हैं।